हेलो एवरीवन, सो हियर टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द डिफेंस सेलेक्टर्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीसी। व्हाट इज एनसीसी, व्हाट इज द एम ऑफ एनसीसी एंड इट्स मोटो, प्लेज एंड एनसीसी सॉन्ग। वी विल डिस्कस हियर इनटू एवरीथिंग अबाउट द एनसीसी, कि एक कैडेट को एनसीसी के बारे में क्या जानना चाहिए और एक आम पब्लिक, जो आम जनता होती है, एनसीसी के अलावा जो छात्र होते हैं, उन्हें एनसीसी के बारे में कैसे मोटिवेट किया जाए, क्या उनको पता होना चाहिए एनसीसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले एनसीसी है क्या, व्हाट इज़ एनसीसी ऑल अबाउट। एनसीसी स्टार्टेड इन 1948। एनसीसी की जो शुरुआत है वो 1948 में लगभग 20,000 कैडेट्स के साथ हुई थी, और यह आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में है, दैट इज़ कॉल्ड एनसीसी। क्लियर। और आज के दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 14.5 लाख कैडेट्स जो हैं वो एनसीसी में एनरोल्ड हैं। क्लियर। और जो हमारी एनसीसी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हमारे न्यू दिल्ली में है, और यह है एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के साथ फंक्शनल काम किया जाता है। एनसीसी के 17 डायरेक्ट्रेट और 98 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, जिसमें 825 एनसीसी यूनिट्स हैं फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स। क्लियर। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज्वाइन एनसीसी ऑन वॉलंटियर बेसिस एज जूनियर कैडेट्स फॉर 2 ईयर्स इन स्कूल एंड सीनियर कैडेट्स फॉर 3 ईयर्स एट द कॉलेज। जब भी छात्रों की बात की जाती है स्कूल और कॉलेज में, वो एनसीसी सभी के लिए वॉलंटियर बेस है, ना कि कंपलसरी। कंपल्शन के तौर पर एनसीसी को किसी को भी किसी छात्र को नहीं दिया जाता, वो उनके लिए एक वॉलंटियर सिलेक्शन होता है। क्लियर। और जो बच्चे स्कूल में एनसीसी को लेते हैं उन्हें जूनियर कैडेट्स बोला जाता है, और जो अपने कॉलेज में सीनियर विंग में जो एडमिशन लेते हैं उन्हें एसडी, सीनियर डिवीज़न कैडेट्स बोला जाता है। एंड इसके अकॉर्डिंगली जब आप स्कूल में एनसीसी करते हैं तो उसमें आपको ए सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है, एंड देन सीनियर डिवीज़न में जब आप एनसीसी करते हैं तो उसमें आपको बी और सी सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं कि सी सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है वो एनसीसी में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। क्लियर। एंड देन कैडेट्स इन एनसीसी आर एक्सपोज टू ट्रेनिंग ऑन सर्विस सब्जेक्ट्स, सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अटैचमेंट ट्रेनिंग विद। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एनसीसी में आप लोगों को ट्रेनिंग जो करवाई जाती है 3 साल के लिए, उसमें आप लोगों को सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, अटैचमेंट ट्रेनिंग विद द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब आपको उसमें फंक्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपकी जो होती हैं उसमें एडवेंचर कैंप्स वगैरह आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। कोर वैल्यूज़ ऑफ एनसीसी इंक्लूड सेंस ऑफ पेट्रियोटिक कमिटमेंट, नेशनल यूनिटी, वैल्यूज़ एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सेल्फ अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ये जितनी भी प्रिजर्वेंस, हार्डवर्क, ये सब आपकी एनसीसी में आप में क्वालिटीज़, ये सब क्वालिटीज़ आप में डेवलप की जाती हैं। क्लियर। इसके बाद जो एनसीसी का मोटो है वो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी की जब भी बात की जाती है हम लोग उसमें एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जब भी एनसीसी किसी भी और फंक्शन में या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें सबसे मेन जो उनका मोटो, जो एम रहता है, वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि आपको एनसीसी में रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करवाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा एनसीसी का एम क्या है, कि अब जो यूथ है इंडिया में उसको एनसीसी प्रोवाइड करवाने का, उसके पीछे एम बिहाइंड इट, दैट इज़ अबाउट टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ। एनसीसी के थ्रू किसी भी कंट्री में, सॉरी जैसे इंडिया में हमें एनसीसी प्रोवाइड की जाती है, उसमें एक मोटिवेटेड यूथ, एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूथ की एक्सरसाइज करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है उनमें क्वालिटी डेवलप करने के लिए। क्लियर। टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बी ऑलवेज अवेलेबल अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। नेशन की सर्विस के लिए उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए एनसीसी का मोटो उनको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा टू प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप अ करियर इन द आर्म फोर्सेज। बेसिकली ये सभी के लिए क्लियर हो जाता है जब भी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात की जाती है, कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो ज्वाइन करें आर्म फोर्सेज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी सेंट्रल पुलिस को,
सो बेसिकली ये जो एम है एनसीसी का वो सबसे आगे रखा जाता है। उसके अलावा टू डेवलप कैरेक्टर, कमराडरीशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अगेंस्ट सॉरी अमंग अस द यूथ ऑफ द कंट्री। क्लियर। सो ये सभी क्वालिटीज़ आप में डेवलप की करवाने के लिए एनसीसी का एम जो है वो टारगेट किया जाता है आपको एनसीसी प्रोवाइड करवाने के बाद। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनसीसी में प्लेज की, जो कैडेट्स को दिलवाई जाती है। क्लियर। जब भी कोई भी कैडेट एनसीसी ज्वाइन करते हैं, जब भी स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन करते हैं, तो उनको ये प्लेज दिलवाई जाती है। क्लियर। आप लोग इसको पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी प्लेज को। वी द कैडेट्स ऑफ द नेशनल कैडेट कोर्प्स डू सॉल्मनली प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। वी रिजॉल्व टू बी डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर नेशन। वी शैल अंडरटेक पॉजिटिव कम्युनिटी सर्विस इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड कंसर्न फॉर आवर फेलो बींग्स। सो ये जो प्लेज है वो एनसीसी में कैडेट्स को दिलवाई जाती है। उसके अलावा एनसीसी का अपना खुद का एक एनसीसी सॉन्ग है, जैसे इंडियन आर्मी के पास में, इनफैक्ट जब भी हम भारत की बात करते हैं, भारत के पास में अपना राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान, उसी तरह एनसीसी का अपना खुद का ऑफिशियल सॉन्ग है, जो कि आपको इस वीडियो के लिंक में उस सॉन्ग का सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस सॉन्ग का लिंक भी मिल जाएगा। हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके वहाँ से सुन सकते हैं, उसके लिरिक्स को सुन सकते हैं, और आपको अगर लिरिक्स पढ़ने हैं उस सॉन्ग के तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। क्लियर। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो आज हमने इसी बारे में चर्चा की है इस वीडियो में, कि एनसीसी क्लियरली है क्या, कैसे उसका फंक्शन होता है, क्या ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाया जाता है, उसके पीछे एम क्या है एंड मोटो क्या है एनसीसी करवाने का यूथ को। क्लियर। सो इसके बाद अगर आपको और कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर भी अगर आप लोगों की क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, और हाँ सबसे बड़ी बात कि अगर आपको एनसीसी कैसे ज्वाइन करनी है ये पता करना है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम लोग उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।